नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक PSU बैंक के बारे में, क्योंकि देखिए PSU जितने सारे बैंक हैं उनमें से एक छोटा बैंक है। छोटा मतलब बैंक देखा जाए तो इंडिया में जितने सारे PSU बैंक हैं, मतलब गवर्नमेंट बैंक है, उनमें से नंबर 4 में इसका नाम आते हैं। क्योंकि नंबर 1 आप सभी जानते हैं SBI, तो मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आज मैं बात करूंगा PNB के बारे में, मतलब पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी का प्राइस अभी एक पेनी स्टॉक जैसा काम कर रहा है, मतलब एक पेनी स्टॉक जैसे इसका प्राइस हो चुका है, क्या अभी इस कंपनी के ऊपर मैं निवेश कर सकता हूँ? क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो मैं इसी के ऊपर आज डिस्कस करूंगा। क्योंकि आपका मन में जो आ जाता है बैंकिंग के लिए, तो जो एक्चुअली आपको नेगेटिविटी है पीएससी बैंक, मतलब PSU बैंक में, तो और कितना पॉजिटिविटी है, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए, तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी है PNB। यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस नहीं किए होंगे, तो चलो मैं उसको नोटिस आपको करा देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, कंपनी 5.75% का इंटरेस्ट यहाँ पे देने वाला है, और वो भी किस में? सेविंग्स अकाउंट में। सेविंग्स अकाउंट में 5.75% इंटरेस्ट कंपनी देने वाला है। तो आप कहेंगे सर इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दे रहा है, और वो भी सेविंग्स अकाउंट में? क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर सबसे पहले जो पॉइंट्स आ जाता है वो है इसका कासा रेशियो। तो चलो इसका कासा रेशियो देख लेते हैं। इसका कासा रेशियो है 45.65। तो एक्चुअली कासा रेशियो कोई भी बैंकिंग के लिए बहुत मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि कासा रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही बैंकिंग के लिए खास होगा। क्योंकि देखिए बैंकिंग में जो पैसा आता है वो ज्यादा से ज्यादा कासा रेशियो के माध्यम से ही आते हैं। क्योंकि कासा रेशियो मतलब करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। तो सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट से इस तरीके से बैंक में कितना पैसा आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके वो कंपनी दूसरों को लोन देते हैं। देखिए PNB जैसे कंपनी के ऊपर बहुत बार फ्रॉड भी हो चुके हैं। बहुत कंपनी ने इसके ऊपर लोन भी लिया और लोन चुकता नहीं कर पाया, जैसे वोडाफोन आइडिया जैसे कंपनीज भी इस कंपनी के ऊपर लोन लिया। तो पीएससी बैंक में एक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं आप जानते हैं? पीएससी बैंक में एक प्रॉब्लम्स है जो है एक्चुअली गवर्नमेंट बैंक है। गवर्नमेंट बैंक क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट का लोन देते हैं। कॉर्पोरेट मतलब बड़े बड़े कंपनी को लोन देते हैं। और देखिए एक चीज आपने नोटिस नहीं, मतलब नोटिस करेंगे, जो प्राइवेट बैंक है जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, वो क्या करते हैं, खुद का जो लोन है वो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। जैसे मतलब पर्सनल लोन भी दे देंगे, साथ ही साथ आप हेल्थ लोन्स भी दे देंगे, साथ ही साथ आप घर करेंगे उस हाउस लोन भी दे देंगे, कार लोन्स भी दे देंगे। तो बहुत सारे लोन्स वो प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ छोटे छोटे लोन भी प्रोवाइड करते हैं और कॉर्पोरेट को भी लोन देते हैं। और कॉर्पोरेट को लोन देने से पहले वो बहुत सारे जांच पड़ताल करते हैं, मगर गवर्नमेंट कंपनी उस तरीके से जांच ना कर कर ही लोन दे देते हैं कॉर्पोरेट को। और कॉर्पोरेट ही यहाँ पे मतलब बिजनेस करते हैं, और बिजनेस में अगर लॉस हो जाता है तो वो लोन चुकता नहीं कर पाते, इसीलिए पीएससी बैंक में सबसे ज्यादा प्रेशर हो जाता है। तो क्या इस बैंक में निवेश करना चाहिए, ये सबसे पहले देखना चाहिए। तो चलो मैं इसके ऊपर कुछ डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए कंपनी के कुछ इंफॉर्मेशन के ऊपर आ चुका हूँ। आप देखेंगे तो कंपनी का जो सबसे जो बड़ा वीक पॉइंट्स मुझे लगा वो है NPA। तो इस तरीके से बैंकिंग में NPA कितना मतलब हो चुके आप देख सकते हैं। NPA एक टाइम तो 11% था, 11%। सोचिए कितना बड़ा NPA, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं, तो मान के चलिए बैंक ने क्या किया, दूसरों को लोन दिया, वो कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, कोई प्राइवेट लोन भी हो सकते हैं, कुछ भी लोन, लोन जिसको दिया वो लोन वापस कितना आया उसी को NPA बोला जाता है। मतलब कितने मार्केट में अभी लोन पड़े हुए हैं जो पैसे बैंकिंग को मिलने का चांसेस ना के बराबर है, मतलब वो पैसा बैंक को मिलने का ही चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ये बैंक के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। तो NPA का परसेंटेज जो 11% तक था, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ इस तरीके से कंपनी ज्यादा से कॉर्पोरेट लोन दे देते हैं, और कॉर्पोरेट ही सबसे ज्यादा पैसा मतलब लेकर ही भाग जाते हैं और बर्बाद भी हो जाता है,
और खुद का बिजनेस चला नहीं पाते और बैंक को डुबा के चला जाता है। क्योंकि आप सब जानते हैं बैंक में, पीएनबी में उस बार किस क्या हुआ था, जो मतलब पीएनबी में जो घोटाला हुआ था उसमें पीएनबी में जो कस्टमर थे, जितने सारे उसका सेविंग अकाउंट्स करंट अकाउंट्स के कस्टमर थे, एक लिमिटेशन कर दिया था कि इतने इससे ज़्यादा पैसा वो बैंक से उठा नहीं पाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट्स है, क्योंकि कोई भी मतलब बैंक्स के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एनपीए देखना चाहिए। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट ही बता देंगे कंपनी का हालत क्या है। तो इसका जो हालत है वो बहुत बहुत खराब है, क्योंकि 100 रुपीज में मान के चले 11 रुपीज तक कंपनी ने लोन मार्केट से उठा नहीं पाया, तो एक कितने बड़े खतरे हैं आप सोचिए। आप कहेंगे सर 11 रुपीज ही तो है कि और कितना होगा, तो 11 रुपीज, 100 रुपीज में 11 रुपीज, मतलब सोचिए अगर 100 करोड़ लोन बांटे हैं तो कितना करोड़ों का कंपनी को घाटा हुआ। तो ये पॉइंट्स में आपको ऑब्जर्व करना होगा। और साथ ही साथ सीएआर परसेंटेज, तो ये पॉइंट्स में मुझे वीक लगा, क्योंकि सीएआर परसेंटेज जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, तो मतलब बैंक के हाथ में कितना कैपिटल है, वो कितना पैसे खुद के पास रखे हुए हैं, कितने पास खुद के पास मतलब कितने पैसे खुद के पास रख के वो बिजनेस कर रहे हैं, तो 14% है। तो आरबीआई के रूल के हिसाब से 9% के ऊपर होना चाहिए, मगर यहाँ पे 14% है, ऑब्वियसली पॉजिटिव है। फिर भी मैं जरूर कहूंगा और भी ज्यादा होता तो अच्छा होता, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा आपके पास रहेंगे आप कुछ कुछ भी काम करने के लिए तैयार हमेशा रहेंगे। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का 4.5% का कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट जितना इसका खर्चा है उसके हिसाब से कंपनी का लाइबिलिटी है, मतलब उसको पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो कंपनी का पेग रेशियो भी यहाँ पे 0.04 है, चलो ये बात ठीक ठाक है। तो कंपनी का जो प्राइस है देखा जाए तो कंपनी अभी 30 रुपीज के आसपास चला है, कंपनी का टोटल मार्केट का 34,000 के आसपास है, और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो इसका परफॉर्मेंस आपको उतना खास नहीं दिखेगा। और एनुअली जो इनकम है, ऐसे नहीं कि कंपनी इनकम नहीं किया, करीबन करीबन 3,800 करोड़ का इनकम किया, मगर इसका इनकम करने से क्या फायदा होगा, कंपनी 12% तक इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब कंपनी का जो मार्केट कैप है उससे कोई मतलब कई गुना ज्यादा कंपनी ने क्या किया, लोन लेके रखा है, मतलब आरबीआई से लोन लेके रखा है, और वो लोन चुकता करते करते पूरा कंपनी का जो मार्जिन है वो चला जा रहा है। क्योंकि कंपनी का जो कुछ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो कंपनी ने प्रॉफिट मतलब रेवेन्यूज बहुत ज्यादा कमा रहा है, करीबन करीबन 46 करोड़, 47 करोड़, 81 करोड़, फिर भी कंपनी को इतना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है करीबन करीबन 46 करोड़, तो मान के चलिए 70 करोड़ में अगर 50 करोड़ का इंटरेस्ट ही चला गया, उसके साथ कंपनी के एक्सपेंस भी है, उसके साथ कंपनी को मतलब टैक्सेस भी पे करना पड़ेगा, ये सारे चीज पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आते हैं वो मार्जिन बहुत घट जाते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन के बारे में बात करूँ तो बीच में कंपनी 2018 में 2019 में कंपनी लॉस किया था, तो फिलहाल के लिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आपको नेगेटिव दिखेगा और बहुत बड़ा नेगेटिव दिखेगा। मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर कभी भी प्रेफर नहीं करता, मैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा विश्वास नहीं करता, फिर भी कुछ कंपनीज है जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, जिसका कर्जा नहीं है और कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा काम कर सकते हैं, इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं जरूर विश्वास करता हूँ। हाँ, मेरे पास ऑब्वियसली SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसका कर्जा भी जितना भी हो कंपनी का काम बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ SBI के बहुत सारे पॉजिटिविटी भी है। तो स्टेट बैंक के ऊपर आप जा सकते हैं, पीएनबी के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा सा आप रिस्की गेम खेल रहे हैं, बाकी आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद आपको लगे कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए तो निवेश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग सबसे पहले प्राइस को देखते हैं, इसका प्राइस 30 रुपीज चल रहा है, चलो सस्ते में मिल रहा है तो मैं निवेश कर दूं, अगर ये 30 रुपीज से अगर 100 रुपये भी चला गया तो मेरा फंड तो 3 गुना हो जाएगा, ऐसे सोचकर लोग निवेश करते हैं। ऐसे बिल्कुल भी सोचना मत, बिल्कुल भी सोचना मत, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस किस तरीके से चार्ट पैटर्न है, किस तरीके से कहाँ पे गया था स्टार्टिंग होने के बाद, अराउंड अराउंड करीबन करीबन 1400 मतलब 1400 रुपीज तक गया था, तो उसके बाद क्या हुआ, कंपनी कंटिन्यूसली गिरते गए, कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आया, उसके बाद तो कंपनी हालत खराब हो गया। अभी करीबन करीबन 5-7 साल तक कंपनी एक ही रेंज में काम कर रहा है, वो ही 100 से 20 के अंदर। तो अंत में एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना ही है तो एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक देखे, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, आपने ख्याल रखिए, बाय बाय।